अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो बस दिन की शुरुआत हो चुकी है तो गैस की वजह से तो मैं आज ज़रा जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मंगलूचियाँ। तो ये मैंने दाल भिगो के पीस ली थी, उसका मिक्सचर बना लिया। सादा से ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों की वजह से कुछ ज़्यादा नहीं डालती मैं। तो जो है ना, इसका मिक्सचर बना के ये मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं। तो आगे इसका मसाला भी बनाऊँगी मैं। तो मैंने कहा चलो अपने गाइस से भी शेयर कर लूँ। तो ये हो गई है माशाल्लाह से गोल्डन गोल्डन सी। तो मैं सिंपल तरीके से ये बना दूँ ना। मैं हरा धनिया डालूँगी, वो भी सिर्फ मसाले में, इसमें नहीं डालती क्योंकि बच्चे ना एक आध खाते हैं तो वो निकाल देते हैं। मेरे छोटे वाले को तो हर चीज़ निकाल देगा, तो इसकी वजह से मैं इसमें हरा धनिया नहीं डालती। ना मैंने प्याज डाला, सिर्फ प्याज दाल मैंने वो करी है, पीसी है। उसके अंदर जो मैंने मिर्ची पीसी हुई, कुटी हुई हल्दी वो डाल दी है। तो मैं ये निकालती हूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ जो है ना मेरा मंगोचियों का मसाला जो है ना रेडी हो रहा है। तो मैंने जो है ना एक प्याज लिया बड़े साइज का और दो टमाटर, और ना उसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैंने मिर्ची मसाला डाल दिया, हल्दी नमक मिर्ची। तो धुएं की वजह से ना तो कैमरा वो हो रहा था, तो गैस की वजह से बड़ा जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ रहा है। 4 बज रहे हैं शाम के, आज मेरा जल्दी से ही सारा काम हो जाएगा। तो इसकी ना छींटे हो रही हैं। तो यहाँ जो है ना मेरे ये पकौड़े भी रेडी हो गए, यानी कि दाल वाले। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा दही रखा हुआ, ये भुनाव पे आ जाएगा, मसाला भुन जाएगा, तो मैं यहाँ दही डालूँगी। तो देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। और जो है ना अभी इनके बाबा भी आ चुके हैं, वो ज़रा ऊपर गए हैं पौधों को पानी डालने। तो यहाँ मेरे उबले हुए चावल रखे हुए थे जो कल बनाए थे मैंने। गैस की वजह से रोटी नहीं पक रही थी तो मैंने ज़रा से उबाले चावल, वो मेरे से उबले ही नहीं सही से ना। तो कल बनाया था मछली का सालन। तो दो दिन से तो व्लॉग नहीं बना रही थी मैं, तो पता नहीं क्यों नहीं बना रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो बस समझ में नहीं आता क्या डालूँ। कोई कहता है कुकिंग के डालो, कोई कहता है कि जो है ना अपने डेली व्लॉग्स डालो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बस समझ से बाहर है बंदा क्या करे। तो यहाँ ना छींटे उड़ रही हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो पानी तो नहीं डाला, फिर मैंने सोचा चलो मैं दही डाल के मसाला भून लूँ। तो कितनी ज़बरदस्त शक्ल लग रही है इसकी दही डाल के। अभी कमरे में नहीं गई हूँ, 4 बज चुके हैं और सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा रह गया है अजान होने में, मगरिब की अजान होने वाली है। और ये ना मेरी आज झाड़ू भी नहीं दिली है, तो कमरे का हो रहा है। बच्चों ने तो पता नहीं क्या कर दिया होगा, 3 घंटे से मैं किचन में ही काम कर रही हूँ। तो मैंने आज रोटियाँ भी पका ली, देखें मैंने रोटियाँ भी बना ली थी आज। पहले जो है ना मैंने रोटियां बना ली। सबसे पहले तो मैं उठी, 12 बजे उठ के मैंने नाश्ता बनाया बच्चों का, देखा गैस आ रही है, फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा। तो आटा गूंद के जो है ना मैंने ना अपना पहले नाश्ता कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है ना रोटियां भी डालूँगी, वरना जो है ना फिर होता रहा, टाइम होता रहा, फिर 3 बज गया, फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा, रोटी बनाई। और जो रोटी बना के फिर मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बनाया। दाल मैंने भिगो दी थी सुबह जब सो के उठी थी, तो जल्दी जल्दी ग्राइंड करी दाल को। ये निकाल देना चाहिए, ये तेल का होता है ये, वरना कड़वाहट कर देगा। तो अभी तक ये बर्तन भी नहीं धुले हैं मेरे, सुबह के ही बर्तन पड़े हुए मेरे। तो जो है ना मैं ज़रा बस हांडी की तरफ हूँ, अभी हांडी बन जाए अभी जल्दी से बर्तन धोऊँगी। तो गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, कमेंट करिएगा अच्छा सा मुझे। बाकी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए मेरा बच्चे बच्चे शाम करो, हाय हेलो हेलो कर रहे हो आप, कहाँ कर लेते आप, खेल लेते, खा खा केरा खा खा, जिसको मैंने पकोड़े बना के दिए थे केरा खा खा, बदतमीज चेचे नहीं बोलते, खा खा, दांत दिखाओ, दांत दिखाओ केरा, कैमरा मुझे दे दो, कैमरा मुझे दे दो, तो दांत दिखाओ,
ए दांत दिखा रहा है, दांत नहीं दिखा रहा, जबान दिखा रहा है ये बदतमीज। तो घर में तो इन लोगों ने तबाही मचाई हुई, कमरे का बुरा हाल कर दिया। चलो मैं आगे का दिखाती हूँ आपको, ये देखें जरा, ये बच्चों के काम देखें जरा, सारे बिस्तर वहाँ कोने पे लगे हुए थे, और ये देखें जरा, ये देखें उजैफा तो बच्चा बन जाता है, देखें जरा बच्चा, सारे ब्लैंकेट उठा उठा के फेंके हुए, एक ये पड़ा हुआ, ये तो चलो बिस्तर पे ही पड़ा हुआ था, तो बाकी सर्दी हो रही है तो मैं ये तो उठाती हूँ, तो ये करके यहीं रख देती हूँ। बाकी ये देखो कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने, वो देखो छोटे वाले अंदर घुस गए, क्या कर रहे हो अंदर घुसे हुए। तो आराम अली का ज़रा पैम्पर चेंज होगा, इनको कपड़े पहनाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखो मेरा सालन हो गया रेडी, और ये देखिए बड़े मज़ेदार सा बना है, स्पाइसी सा, हरा धनिया मैंने गार्निश के लिए डाला है, और गरम मसाला डाल के ये रेडी हो चुका है। तो उसके बाद हमने चाय बनाई है, तो शाम का टाइम हो गया तो हमने सोचा चलो चाय भी पी ली जाए। तो सारे काम करने के बाद किचन का हाल देखना, अब चाय पी के मैं किचन संभालूंगी, और यहाँ मैंने बर्तन भी धो दिए। तो यहाँ जो है ना, अरे हमने दूसरे कपड़े पहन लिए, तैयार हो गया मेरा बेटा, हाय करो अरहम, हाय करो। शट डाउन हो गया आराम अली की, जो है ना बत्ती उड़ गई। अरे हाय तो कर दो, हाय नहीं कर रहे आप, इधर देखो। हाँ गुच्छा आ गया, गुच्छा आ गया, गुच्छा आ गया। तो हम यहीं पे अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। आराम अली अलाफिश कह दो इनको, अलाफिश अलाफिश करो, से जा रहा है अपने बाबा को देख के। तो यहीं पे हम अपना व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।